बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। शामी टीवी के साथ मैं हूं आपका होस्ट एहतशाम सईद और आप देख रहे हैं शामी टीवी। जी दोस्तों, मैं आज देहरादून पना स्टेशन के करीब मौजूद हूं। यहां पे आप देख रहे हैं कि झोपड़ियों वाले कुछ गरीब लोग और इमदाद के हकदार लोग यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पे वसाइल की काफ़ी सारी कमी है और ये देखें यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है। ये किस तरह से कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पे रहना कितना ही मुश्किल है। आप देख रहे हैं यहाँ पे हर तरफ को गंदगी, पानी, यहाँ पे कचरा कीचड़ा सब कुछ यहीं पे ही है इनका। जी तो दोस्तों, कल ईद का दिन है और ईद का दिन आपको पता है मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा दिन होता है। तो इन लोगों से पूछते हैं कि इन लोगों की भी ईद की वजह से किसी ने मदद की है या कोई बड़े लोग या MP MNAs वगैरह इनके पास आए हैं, क्या इनको कोई इमदाद वगैरह दी गई है कि ये भी अच्छी तरह से ईद गुजार सकें। जी तो दोस्तों, चलते हैं उनके पास और उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के रहन सहन के बारे में और ये भी पूछते हैं कि वो ईद किस तरह से मनाएँगे। जी कुछ लोग यहाँ पे वो जो है ना झोंपड़ी में मौजूद हैं, उन लोगों से भी बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है चाचा? चंगे हाल है चाचू, सेहत तो भी ठीक है? ठीक है, अल्लाह दी दाते शुक्र ताला, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत गरीब लोग हैं, मेहरबानी करे सो। अच्छा अभी ये कल जो है ना ईद का त्यौहार है, इतना बड़ा दिन है, कोई आपके पास आया है कि आपको कोई कपड़े वगैरह देने के लिए? कोई नहीं बाबा जी, कोई नहीं, सारे को आया। अच्छा, किसी ने भी कुछ इमदाद वगैरह नहीं की? कोई इमदाद कह नहीं, सारी कोई कुर्बानी कह नहीं, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम है बस। अच्छा, और आप ये बताएंगे आप क्या काम करते हैं? बस मेहनत मजदूरी, हत्या दे गंडिया सर, ये देख सकते हो कशा कहानी, अल्लाह दास रहे। ये कैमरे को दिखाएं, हमारा कैमरा, अल्लाह को देखो भाई, कशा कहानी मेहनत मजदूर, आप मेहनत करें ना, नमाज पढ़ना, बच्चों की रोजी, अल्लाह दास रहे भी मेरी कोशिश। पक्षीदार लोग हमें देख सकते, बारिश आ रही है, चौंधी है मेरी बारिश। आपके कितने बच्चे हैं? आपके बच्चे मेरे 9 बच्चे है भाई, शादीशुदा, एक रेशमा बीबी मेरे को आएगा, एक शानू आएगा। अच्छा, ते ए मेरी घर वाली, ते मेरी बच्ची मेरे साथ रेशमा बीबी को दू पथरियाँ, मैं को भी दू पथरियाँ। अच्छा, आपको पथरी भी है बीमार होने के? मैं काला यकरान का। अच्छा जा, काला यकरान भी है? जा जा, ए मेरी घर वाली को दू पथरी, ए मेरी साली छोटी बेवा मैं। अच्छा जा। अच्छा, तो ये कब से बेवा हुई? एक हूँ ठीक है, अठुआ ना उसी 7वीं। अच्छा, 7 दिन कैसे, मतलब कि कोई इनके खावन का एक्सीडेंट हुआ? नहीं नहीं, वो शोदा बीमार है, ईमान लाए बनने शो करे, कल 9 महीने कोरस पीते हैं कच्चा पानी पेट है, मुल्क के डॉक्टर घिन दे रहे हैं, कोई मकसद सरकारी दवाई नहीं मिली सब। मतलब कि आप जाहिर सी बात है बीमार थे, तो आप उनको डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे, तो डॉक्टर्स ने क्या आपकी मदद की, आपको मेडिसिन वगैरह दी? नहीं नहीं, आपकी मेहनत हड्डा दे पोरा, साढ़ा हड्डा दे पोरा। अच्छा, आप गए उसके बावजूद भी आप दिन रात मेहनत करके थोड़ा बहुत जो होता है वो बचा के रखा हुआ था जमा पूंजी, उसी से आपने इलाज करवाया? उसे तो इलाज किया साढ़ा कोई अल्लाह, उसे तो तेरे घर दे जी अनो कर्जा करके उनको दफन किया, कफन दिता ऐसा। अच्छा, मतलब कि किसी ने भी बीमार होने के बावजूद भी किसी ने आपकी हेल्प नहीं की? नहीं की थी, बगैर अल्लाह तो सवा। अच्छा, और आप हमें ये भी बताइएगा कि ये कल ईद का दिन है, तो कोई भी मतलब आया हो पूछने कि आप किस हाल में है, किस हाल में नहीं है? कोई नहीं आया, अल्लाह दास है सारे को, कोई नहीं आया भाई, चलो जियो वाले आने जा खबर वाले। अच्छा, कोई सारे को कोई कुर्बानी करनी, अल्लाह का ना है साढ़ा। अच्छा, वैसे भाई मंगसू का मुसलमान आसी दे वैसी न तो बच्चे छोदे घर बैठे। अच्छा, कोई कुर्बानी कोई नहीं, कोई शक नहीं। तो नाजरीन आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग बेयारो मददगार बैठे हुए हैं, और ये छोटे बच्चे आप देख सकते हैं, ये मां जी आप देख सकते हैं, तो क्या ये पाकिस्तानी नहीं है? क्या इनको पाकिस्तान में रहने का कोई हक नहीं है? क्या ये इसी तरह से शुरू से आखिर तक गुर्बत की ज़िंदगी ही बसर करते आएंगे? क्या इन बच्चों को कपड़े, अच्छे कपड़े और ईद के लिए सवैयाँ वगैरह और गोश्त वगैरह खाने का कोई हक नहीं है? अच्छा, आप बताइएगा आपका नाम क्या है? अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं कोई नहीं हूँ, मतलब कितों देर आवाना लेवे? अच्छा, मतलब मुख्तलिफ जहीं थे मैंने आने बदराने थे। अच्छा, ते तुम्हारे आपके कितने बच्चे हैं? बच्चे। अच्छा, तो जो 3 बच्चे हैं वो कमाने वाले हैं?
ना। अच्छा छोटे हैं अभी नौजवान है। अच्छा। पुत्री है कमला से आना कोई कहानी मेरा खर्चे का। अच्छा हाँ ये भाई कहीं दाद मदद करें तो पुत्रा धिया को कैसे शादी करें। अच्छा आप हुकूमत से क्या अपील करेंगे कि वो आपके लिए क्या करें? अल्लाह मैं को नहीं पता लग गया। हाँ बच्चिया की शादी करनी तो फसे पा कर दे इमदाद मदद करें गरीब रिमा। अच्छा तो उन अम्मान जी को माइक दें उनसे हम बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अब असा मरीज हैं असा बीमार हैं सारी कोशिश काय नहीं साडे नाल मदद थई गरीबा नाल। तो आप बीमार जो हैं आप हॉस्पिटल वगैरह जाती हैं मेडिसिन लेने के लिए? अब कई की दे दवाइयां हर शे की थी सारी कई कई मदद कोई नहीं करता। सरकारी दवाई आपको मिलती है? ना साको कैसे नहीं दे देना सरकारी दे देना कैसे मौला दिन पैसे चाहो आप जाती भी हैं हॉस्पिटल में तो उसके बावजूद भी आपको कोई दवाई वगैरह नहीं देते? ना कैसे नहीं साको दे दे सब तक काट छोड़े ना डांगा रहते निकल। अच्छा यहाँ पे हर तरफ आपने नाजरीन देखा कि गंदगी थी हर तरफ पानी खड़ा हुआ था गंदगी ये लोग यहीं पे तो यहाँ पे तो ऐसे है ना बीमारियों का घर है। तो यहाँ पे कोई आपसे मेडिकल फील्ड वाले या कोई जिस तरह से आते हैं विजिट करते हैं मुख्तलिफ इलाकों का क्या आपके पास कोई आया दवाई वगैरह देने को? को साको कोई नहीं देता ना दवाई देती ना कोई आया गया साढ़े दर्द से कोई का नहीं आया ना साको कश देने। अच्छा ऐसा गरीबा नाल मदद थी बने। अच्छा शुक्रिया। अच्छा आप हुकूमत पाकिस्तान से क्या अपील करेंगे? अपील है कुछ अस गरीब लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक राजी थी वे अल्लाह ताला उना सारी हुकूमत को कामयाब करेगा अल्लाह ताला हर मुसलमान को नमाजी रिज्क हलाल ईद नमाज अल्लाह ताला को जायदाद हज नमाज रोज़ा कबूल करेगा अल्लाह ताला दा फरमान है सारे हुक्मरान है असा वोटरदार हैं असा वोट देते हैं अल्लाह माफ़ी करे ये सारा ये मेरा एडी कार्ड है झलाए ये मेरा एडी कार्ड है भी मैं बेता भी हर दिनी तेरे पाक गैर इलाके दा नहीं मैं ये मेरा एडी कार्ड ही बैठा मैं ऐसा ये मेरा सबूत है ये मेरा सबूत है एडी कार्ड है मेरे करे देख सकते हो ये नाजरीन आप देख सकते हैं नहीं कि ये कह रहे हैं कि मैं कोई गैर मुल्की या बाहर से आया हुआ नहीं हूं खान का के मतलब कि मेरी कोई इमदाद नहीं की जा रही पीटीआई को वोट देते नहीं जा रहा साडी गरीब लोगन हिम्मत इमदाद करें अल्हम्दुलिल्लाह सारे सरदार इमरान खान अल्लाह करे बच्चे जीवन साडे में अल्लाह ताला सारे उस्मान बुजदार दे बच्चे जीवन अल्लाह ताला कामयाब करने साडी मेहरबानी जरा लोग पुर के अल्लाह ताला उना को जजा देवे अल्लाह ताला नमाज रोजा कुरान दी तफीक देवे सारे गरीबन सारे इमदाद थे वने अल्लाह ताला हर मुसलमान को ईमान बा औलाद वाले को अल्लाह औलाद बख्शे पुत्र वाले को अल्लाह पुत्र बख्शे बेनिमादी इंसान को अल्लाह निमादी बनावे सारे हुक्मरान को ताकत देवे अल्लाह ताला जड़े गैर मुस्लिम लोग साले बिरदमन अल्लाह ताला सारे मुल्क को तरक्की देवे अल्हम्दुलिल्लाह जेड़ा सारे को सजा टोरुना को अल्लाह ताला कामयाब करे अल्लाह खैर करे अल्लाह ताला नूर नमाज रोजा तक ईद नमाज असा एता को कबूल करे सा गरीब इमदाद मिले कोई बच्चा का खर्चा कोई नहीं कोई कैशा कह नहीं ए मेरे एडी कार्ड में चाहिए बैठा मैंने अल्लाह बख्श ए नहीं जमा गैर मुल्क ए पीटीआई को वोट में दीते हैं जी बिल्कुल पीटीआई को वोट दीते हैं खानगढ़ तू मौजा ढुल तरफ है मेरा ए मेरा एडी कार्ड है अल्हम्दुलिल्लाह पुल की है बारिश हमदी है बारिश दे विच कोई शिकायत नहीं होंदी मेरी ए बारिश जे बच्चे तले सुने तले देख सकदो जी हां जी ए ते देख सकदो ए मेरी कुल की गंडी हो सारी जी जी अल्लाह ताला जदा देवे मेहरबानी करो यो हाल बेशाला खैर शुक्रिया चाचा इंशाअल्लाह अजीज हम हुकूमत पाकिस्तान से और जो आला अहदेदार हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी भाई जो यहाँ पे गरीब लोग हैं उनकी मदद करें जितना हो सके हो सके। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारे गरीब भाई किस कदर गुरबत से और किस कदर कुर्ब से गुजर रहे हैं और यहाँ पे हालात ज़िंदगी कितनी मुश्किल से गुजार रहे हैं और इनको कितनी मुश्किलात का सामना ये सब आपने देखा और इनकी इमदाद वगैरह कोई भी नहीं करता कि ये बता रहे थे कि कभी भी इनके पास कोई भी ऐसे लोग नहीं आए जिन्होंने इनकी इमदाद वगैरह की हो। जी तो कल जिस तरह से ईद का त्यौहार है मुसलमानों का सबसे बड़ा दिन है तो आप लोग या आपके जानने वाले कोई भी खैरात सदका वगैरह करना चाहें तो जो 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 है ना इस काबिल हैं कि वो सदका खैरात कर सकते हैं तो वो ज़रूर इस चाचा का नंबर नीचे दिया होगा स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा इनसे रब्ता करके इनको इमदाद दे सकते हैं अदरवाइज़ हमारे चैनल के थ्रू भी आप रब्ता कर सकते हैं। जी हाँ तो दोस्तों कैमरामैन अदनान कश्यप के साथ अपने होस्ट अश्याम सईद को दीजिए इजाज़त।
मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अल्लाह नेकबान।